जॉगर्स बनाना है या जॉगर्स पहनना है? 2 मिनट के ट्रिक में आप जॉगर्स देखिए, इसमें इलास्टिक कैसा लगता है। वीडियो 5 मिनट की है तो 5 मिनट तक लास्ट तक बने रहिए, समझ जाएंगे पूरी तरह इलास्टिक कैसे लगती है कार्गो में। ये बॉटम है, जींस का बॉटम है, इसका हम देखेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है, देखेंगे इलास्टिक जो लगाना है कितना है, बॉटम कितना है। इसमें 8 इंच है, 8 मतलब 16 इंच का बॉटम है, तो इसमें इलास्टिक हम कितने इंच की लगाएंगे सबसे पहले वो देखेंगे। इलास्टिक हम बॉटम अगर हमारा 16 इंच है तो बॉटम हम इसका जो लगाएंगे मिनिमम 2.5 से 3 इंच शॉर्ट करके लगाएंगे। ये देखिए 5 साढ़े 5 मतलब 11 इंच का हम जो है इलास्टिक लगाएंगे, तो हमारा शॉर्ट कितना होएगा 2.5 इंच इलास्टिक हम छोटा लगाएंगे। इलास्टिक लगाने के लिए पहले इलास्टिक को जोड़ लेंगे, पूरी तरह उसको टाइटली जोड़ लेंगे कि उसका जोड़ जो है खुल ना सके। ये देखिए ऐसे दोनों को इलास्टिक के दोनों सिरों को मिला के हम जोड़ लेंगे। उसके बाद बॉटम को, जो जीन्स का बॉटम है उसको हम एक टाप से फोल्ड कर लेंगे या तो वार लॉक इंटर लॉक करवा लेंगे। ये देखिए एक टाप का फोल्डिंग, जिससे अंदर का जो बुजर है, पीस का जो लुक है वो बढ़िया निकल के आए, बुजर जो अंदर रह जाए। इसको या तो वार लॉक करेंगे या तो हम मशीन नहीं है वार लॉक की, घर पे बना रहे हैं तो इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इलास्टिक का जो सिरा है, जो इलास्टिक जोड़े हम रखे हैं, उसको वन साइड से या तो चाहे जिस साइड, दोनों साइड में से किसी भी साइड को हम आधे पे, जो जींस का आधा सिरा है आधा बॉटम है उस पे हम थोड़ा सा सिलाई से एक जॉइंट कर लेंगे, हल्का सा जॉइंट मार लेंगे, जिससे कि हमारा बॉटम क्योंकि छोटा इतना होता है कि घुमाने के लिए बराबर हमको एक बराबर मिल नहीं पाता कि हम एक बराबर बॉटम को कैसे रखें, कैसे घुमाएं। इसके लिए हम आधे बॉटम पे जितना हमको फोल्ड करना है, जितने प्लास्टिक करना है, उतना हम सिलाई से थोड़ा जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा सिरा को हम जोड़ पे रखते हुए, जितने पे हमको इलास्टिक लगाना है, जितना हमको फोल्ड करना है जॉगर्स बनाने के लिए, जितना फोल्डिंग चाहिए इलास्टिक के हिसाब से, इलास्टिक को थोड़ा इलास्टिक से थोड़ा ज़्यादा हल्का सा फोल्ड करने के बाद हम दूसरे सिरे से इसको मशीन पे लगा देंगे। मशीन पे लगाने के बाद थोड़ा बॉटम को थोड़ा टाइटली रखेंगे, मोहरी को थोड़ा इतना टाइट करेंगे कि इलास्टिक के साथ जितना कपड़ा है उतना कपड़ा भी आ जाए और इलास्टिक जो है बराबर फैल जाए। उसके बाद आराम से ये सिलाई यहाँ तक बॉटम तक मार लिए। उसके बाद दूसरा सिरा जो है ये ऐसा हम खींच लेंगे, थोड़ा खींच करके बराबर करेंगे कि बॉटम चारों बाजू बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए ऐसा ऐसा गैदरिंग जिससे बराबर आवे, गैदरिंग बराबर करने के लिए बॉटम को बराबर एक चारों बाजू बराबर फोल्ड करने के लिए थोड़ा टाइटली रख के ये देखिए बॉटम क्लियर हो गया। अब इसका गैदरिंग देखिए, गैदरिंग देखने के लिए करने के लिए एक बराबर हम बराबर पूरा पीस थोड़ा टाइटली स्क्रॉल करके हम देख लेंगे कि इसकी गैदरिंग चारों बाजू बराबर आ जावे, जो गुंजपन है इसका बराबर आ जावे। बराबर करने के बाद हम इसको ऊपर से आधे पे एक सिलाई मार देंगे कि लाइफ में कभी भी वॉशिंग में या तो किसी भी प्रकार जो इलास्टिक 1 इंच की है वो कभी फोल्ड नहीं होने पाए। एक बराबर सिलाई बीच में मारने के बाद इसका गैदरिंग भी बराबर आ जाएगी, इसका गुंजपन एक बराबर रहेगा पूरे पीस में, और जो इलास्टिक कभी गुंज हो जाती, पलट जाती है या तो फोल्ड हो जाती है वो अपने पूरे लाइफ में कभी फोल्ड नहीं होगी। जैसे लगा हुआ है बॉटम में वैसा ये बॉटम में लगा हुआ रहेगा। पसंद आया होगा आपको जॉगर बनाने में? मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा टाइम लगा होगा। दोस्तों चैनल पर बने रहने के लिए और ऐसी छोटी छोटी ट्रिक देखने के लिए दीवान गारमेंट को
सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ये देखिए अपना जॉगर्स का बॉटम, कार्गो का बॉटम्स रेडी है। इसका गैदरिंग बराबर हो गया है, फिनिशिंग अच्छी हो गई है। तो दोस्तों ट्राई कीजिए घर पे भी, अगर आपको जीन्स जॉगर प्लास्टिक वाला बनाना है या पहनना है। थैंक यू। जय हिंद।